टॉप 100 प्लेस में से एक आता है। गुड मॉर्निंग, होप यू हैविंग अ गुड डे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड व्लॉग टू डे टू सूरत। देव हमारे अल्पिनो के इन्फ्लुएंसर, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर मैनेजर। मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ती ना इसके लिए, मैं डायरेक्ट ओनर से बात करता हूँ। और ये हमें लेके आए कोई होटल में, जो बोलते हैं ये सारा स्टार है अंदर से ऐसे बनाया हुआ है। फर्स्ट कॉपी सर, फर्स्ट कॉपी प्रॉपर नहीं, फर्स्ट कॉपी सारा स्टार है। अंदर जाते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने, तो यहाँ से रास्ते में भूल गए अंदर देखते हैं कहीं में फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है या फोर्थ कॉपी, आप ही बताओ। देखो मैं इतनी बड़ी होटल में गया ही नहीं हूँ। झूठ बोलो। बार बार झूठ बोलो। इससे बड़ी बड़ी जगह, इतनी बड़ी जगह पे इतना इतना खाना देते। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें आप मुझे अभी बता रहे हो, कल आपको यानी ऐसा कुछ रहम नहीं है आपके बंदे पे? ये हमारे अल्पिनो के सीईओ चेतन भाई, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत फेमस है ये, मेरे साथ भी आपने देखा होगा। ये आप मुझे बता रहे हैं कि जहाँ पे इन्होंने मुझे रुकाया है वो जो लोकेशन है, नॉट अ प्लेस बट वो जो लोकेशन है, वो पूरा लोकेशन क्या है, इंडिया के टॉप 100 प्लेस में से एक आता है। तो तुमको यार अभी तो कोई लड़की भी ऐसा स्कार्फ पहनी तो मेरी डर लग रही है कि कौन आ गया सामने। हाँ तो यानी आपको यानी ऐसा लगा नहीं चेतन में हो तो? अच्छा आपने रात में बताया नहीं मुझे, नहीं तो मैं तो सो ही नहीं पाता था, इसीलिए तो मैं मॉर्निंग में बताया। डोमस, डोमस आई थिंक मतलब इट इज क्वाइट फेमस। क्या नाम है इसका? डोमस। डोमस बरोबर, मैं न्यूज़ में सुना था। होगा तो न्यूज़ में सुना था। अच्छा बेटा न्यूज़ में जल्दी सुना और तूने लेट बताया, वरना कल अपनी न्यूज़ बन जाती थी। चलो तुमको एक जगह दिखाते हैं, कौन सी जगह पे हमारे लिए इन्होंने मस्त बंगला रखा है। लेकिन दिस इज वेरी डेंजरस यार, आज रात में नहीं रुक रहे ना? और अगर रुकना है तो रुक जाते हैं। अरे मैं बहुत, मुझे कोई ऑनेस्टली मुझे नहीं डर लगता अंटिल अनलेस मैं कुछ ना देख ना लूँ ना, तब तक कि मुझे, मैं बातों पे विश्वास नहीं करता जब तक कि मुझे कुछ दिख जाए या मुझे ऐसा कुछ फील हो ना। मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत लोगों ने दिखा भी है, मतलब यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो। तो आप चाहते हो मैं देख लूं पहले? यानी मैं अपने आप को दिलासा दे रहा हूं कि मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक के जाना है ना, शूट वूट करना है। बाकी मैं दिलासा दे रहा हूँ। देखो ये आदमी से मुझे डर लग रहा है कि गुजराती तो दिख रहा नहीं यहाँ पे। पूछो अभी, आपने यहाँ पे कभी कुछ देखा है इंसानों के अलावा? रात को, रात को नहीं तो गजब बेइज्जती है। बीस साल से हो? चलो ये सरवाइव कर गए तो हम लोग सरवाइव से हो गए। वैसे तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ये 20 साल से तो लोग तो आदत हो गई है, वो देखेंगे तो फिर भी वो बोले मानेंगे कि यार ह्यूमन ही है। तो हम लोग क्या ह्यूमन नहीं दिखते? नहीं इसको देखेंगे तो बोले पहचान वाला, इसको कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। गाड़ी भी बोरी टी 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 चले गए। लोकेशन तो बहुत बढ़िया है ये, और बहुत अच्छा बंगला है, लेकिन ये चीज़ें मैंने रात में सोची नहीं थी। अब ये अभी मुझे बोले देखो, अब ये देख के तो डर लग ही जाएगा ना इंसान को। शाम को कैसा लगेगा? मैं रात में तो इतनी नींद में आया था, मैं आके डायरेक्ट सो गया। तो ये जो है ये बैकयार्ड बोलते हैं इसको, US में जो ऐसे रहते हैं ना उसको बैकयार्ड बोलते हैं। वहाँ पर बैठने की बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर स्विमिंग पूल है पता नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ तो बोलता पता नहीं। ये बहुत ही बढ़िया बना है, लुक एट दिस आउटडोर बार। यहाँ पे कर सकते हैं ये स्विमिंग पूल, बट बहुत छोटा है। छोटा है आई थिंक ये भाई, ये स्विमिंग पूल नहीं, ये सीटेबल पूल है। ये सीटेबल पूल है, पैर गंदा अंदा करके धोधा के वापस निकल जाओ। ये लिविंग रूम है जहाँ पे हमारे इन्फ्लुएंसर मैनेजर देव हमारे इन्फ्लुएंसर मैनेजर दिए हुए, और ये फर्क है हमारे
सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट एंड और मेरे साथ स्ट्रेटजिस्ट सर राइटर हमने सबको कैप्शन इनको भेजूंगा और ये हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट जिसके हम कुछ शूट्स करने वाले हैं आज पीनट बटर डार्क चॉकलेट पीनट बटर पाउडर नेचुरल पीनट बटर पाउडर तो ये वाइट चॉकलेट है क्या नहीं ये नेचुरल है और ये डार्क चॉकलेट है अच्छा तो इसमें चॉकलेट का टेस्ट आएगा यार दो जो नई चीज आपने लाई है ना स्टिक्स ये पीनट बटर सुपर स्टिक और वो जो बिस्किट्स किलर है यार कुकीज और एक ये मैं सच बता रहा हूँ इतने अच्छे ओट्स मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए मैं नॉर्मली 80-100 ग्राम ओट्स खाता हूँ जो नॉर्मल ओट्स होते ना ये ओट्स मैं 250 ग्राम खा रहा हूँ ब्रेकफास्ट में इतना मज़ा आता है यार खाने में और मैं सच बताऊँ मैंने इसका पीछे का देखा ही नहीं है कि इसमें क्या क्या है मैं बोला खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है अभी देखूंगा पता नहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ मेरे लेकिन इतना कुछ गलत नहीं लग रहा है अरे यार इसमें तो कम है 100 ग्राम कार्ब्स में यानी कि 100 ग्राम ओट्स में उसमें रहता है 68 ग्राम कार्ब्स इसमें 57 है कार्ब्स दिस इज गुड उसमें फैट मेरे ख्याल से 16 ग्राम के आसपास ही रहता है इसमें भी 16 ग्राम है प्रोटीन भी इसमें 21 ग्राम 21 ग्राम प्रोटीन इन 100 ग्राम ओट्स सो मतलब वी हैव कोटेड जो सारे ओट्स रहते हैं उसको पीनट बटर का कोटिंग किया है और 21 ग्राम प्रोटीन है तो अगर ये ले लेते हो आप 100 ग्राम तो आपको यानी कि प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है बेसिकली वेरी नाइस अभी सब मैं एक एक करके प्रोडक्ट ट्राई कर रहा हूँ अभी तक के मैंने ये ट्राई किया ये स्टिक ट्राई की वो कुकीज तो मैंने खत्म कर दिए और ये वाला मैंने ट्राई किया डार्क चॉकलेट वाला डार्क चॉकलेट है ना हाँ अभी बाकी के और भी जो है वो ट्राई करना बाकी है तो बाकी की चीज़ों के बारे में बाद में बात करूँगा ये पाउडर में मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो 2.0 के मैंने 1.0 के तो सारे प्रोडक्ट को खा पी के मस्त गेनिंग कर ली थी अभी 2.0 के मैंने सिर्फ दिन चार प्रोडक्ट यूज़ किए तो बाकी के प्रोडक्ट के रिव्यू बाद में रहेंगे फिलहाल कर देते अभी जब तुमको पता चल जाता है ना दिस इज़ अ हंटेड प्लेस तो तुमको सब चीज़ हंटेड लगती है मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं और ये है बेडरूम अच्छा ये वार्डरोब भी है ये वार्डरोब है ये बेडरूम है तो बेसिकली वहाँ पे मैं सो जाता है यहाँ पे मेरी टीम सोई थी यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन है जहाँ पे आप बंद करके कर सकते हो अगर आपको कुछ भी बूम 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 करना है तो बॉय नहीं करना है तो खुला रखो एंड देन वी हैव दिस आउटडोर एरिया वेरी पीसफुल है तो बड़ी सुकून वाली जगह लेकिन अब जब से ये मालूम पड़ा ना कि इट्स अ हॉन्टेड प्लेस तो सुकून नहीं मिलने वाला यार चलो रेडी राइट देव डिड यू टेक हाई प्रोटीन नहीं नहीं चलो कहां पे सर किधर है तो विल पुट इन द पूल ना ओके सो जब मैंने मॉडल भी ढूंढ के निकाले फॉरेन में भी लड़के रहती हेलो जेंटलमैन वुड यू लाइक टू हैव सम पीनट With some oats, we have some quality. इनकी शक्ल देखो तो ऐसी रहती है देखो इमेजिन करो ऐसी लगता है ना इनको देखिए एकदम इन्हें परफेक्ट ढूंढ के लाया अल्पिन वाले लोग ने हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन गुड मॉर्निंग होप यू हैविंग अ गुड डे भूख करते लगते खाने का मजा आ रहा है मुझे पीनट बटर सुपर ओट्स चॉकलेट मैं लिख के देता हूँ ये मोस्ट सेलर बोलते ना बेस्ट सेलर बन जाएगा ये गारंटी ये बेस्ट सेलर बन जाएगा बन जाएगा ये भाई मैं बता रहा हूँ बन जाएगा बिकॉज ये इतना टेम्पटिंग है अब मैं पहले तक तो देखा नहीं था लेकिन अब देखा मैंने बोला 2 ग्राम शुगर है यार 100 ग्राम में इतना तो चलता है 2 hours later while shooting for Alpino one of the best peanut butter brand in India किसने कहा इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमाना आसान है देखो हमारे हाथ काले हो गए ये देखो कौन कहता है ये हमारे मैनेजर साहब को देखो खाली हंसते रहते हैं इनको मालूम है इसके हाथ काले हो रहे हैं मेरा जेब भर रहा है मेरी पैंट काली हो रही है
कौन बोलता है यार इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमाना आसान है। हाथ धुलवा देते हैं पुल में, उसमें पुल में हाथ धुलवा देते पूरा पुल ही मेरे लिए ब्यूटीफुल यार, वेरी नाइस लोकेशन। चेतन भाई थैंक यू, बहुत बढ़िया लोकेशन है ये। ऐसे ऐसे ब्रांड ओनर होना चाहिए जो अपने इन्फ्लुएंसर के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन रखते हैं। मुझे तो अजीब सा लगता है जब ब्रांड वाले बोलते हैं बस पिक्चर खींच के डाल दो, ऐसे लोकेशन पर बुलाओ, खर्चा करो, पूरी टीम को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ, खाना खिलाओ, लोकेशन बुक कराओ। ये तभी हो सकता है जब ब्रांड की क्वालिटी A1 हो, और फिर जब क्वालिटी A1 होती है तो नोट भी A1 आती है, तो फिर खर्चा भी A1 होता है सर। ओके, एंड A फॉर अल्पिनो, पता होना चाहिए आप लोगों को, दुनिया चेंज हो रही है, वक्त बदल रहा है, तो आप किस लिए बैठे। जी जी सर, बोलिए सर। बस कहाँ गए सर? सर बोल रहे थे, बताइए। डोंट कॉल मी सर, कॉल मी डॉन। हर एक कलर के प्रोडक्ट के लिए एक एक नई नई चीज़ें आई है, देखो देख रहे हो, सब नई नई चीज़ें खोल के पिना रहे मुझे ये लोग। दिस इज कॉल्ड क्लास, द क्लास एंड क्वालिटी कम विथ मनी। तो इसके कलर पे ये जा रहा है, ब्यूटीफुली शेप दिया हुआ है। आई कैन बिलीव कि इस तरीके का रेस्टोरेंट सूरत में इतना ब्यूटीफुली शेप किया हुआ है। तो अभी हमने शूट ख़त्म की, वी जस्ट गोइंग फॉर द क्विक लंच, और उसके बाद जाना है मीट एंड ग्रीट करने। हो गया और मैंने बोला था प्लीज़ कॉफ़ी मंगा दो, बिकॉज पूरा दिन सुबह से शूट वूट कर रहा हूँ तो एनर्जी एकदम डाउन थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि पब्लिक ने इतना अच्छा प्यार दिखाया, इतनी अच्छी एनर्जी दिखाई कि मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे एक्चुअली कॉफ़ी अब मिल रही है जब मैं इवेंट के बाहर निकल रहा हूँ। वो तो अच्छा है कि लाने वाले ने गलती से कोल्ड अमेरिकानो लाया था इंस्टेंट ऑफ हॉट अमेरिकानो, तो ये अभी तक की चल जाएगी, अगर हॉट रहती तो ख़राब हो गई होती, मज़ा ही नहीं आता पीने का। थैंक यू सो मच एवरीबडी, ये बेल्ट पहन लो यार, ये कैसी हरकतें करते हो आप, जैसे टिंग 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 बज रही है। खैर, तो थैंक यू सो मच एवरीबडी जो जो इवेंट पे, बड़ा अच्छा लगा मिलके, उम्मीद करता हूँ सब लोगों से मिल पाए, कोशिश तो यही थी और मुझे लगता है कि मैंने सब लोगों से मुलाकात कर पाई, पिक्चर दे पाई, बातें कर पाई, अच्छा लगा, अच्छे अच्छे सवाल थे। अगर किसी से मिलना रह गया या किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो माफ़ी चाहता हूँ, और बहुत जल्दी मिलेंगे सूरत में एक बार फिर। और अभी हम जा रहे हैं